सड़क हादसों दी तस्वीरां तां अक्सर ही देखण नूं मिलदियां ने, पर कई तस्वीरां अजिहियां हुंदियां ने जो रूह तक नूं झंझोड़ देण। अजिही एक तस्वीर देखण नूं मिल रही है जिथे एक गड्डी सवार बाइक नूं अपनी गड्डी नाल घसीटदा होया नज़र आ रहा है, ते इस दौरान वड्डी गिणती दे विच चिंगाड़ियां वी निकलदियां होईयां नज़र आ रहियां ने। तस्वीरां निश्चित तौर पर हर किसी नूं डराउण वालियां ने। तस्वीरां विच साफ देखा जा सकता है कि इस तरह एक गड्डी चालक अपनी गड्डी दे नीचे एक बाइक नूं घसीट रहा है, तो इस दौरान चिंगाड़ियां भी निकल रही ने। जो गड्डी चालक एक कर रहा है, इस दौरान पिछे तो आ रही एक होर गड्डी च सवार किसी ने इसकी वीडियो बना ली। ये रूह कंबाऊ तस्वीर कितने दिया ने यह भी तुहानू दसांगे, पर पहला देखो एक खौफनाक वीडियो। मामला दिल्ली दे नाल लगते हरियाणा के गुरुग्राम तो सामने आया, जिथे एक तेज रफ्तार कार की लपेट च आने नाल एक बाइक कार के हेठां फस गई। नशे विच धुत ड्राइवर कार नूं रोकण की बजाय करीब 4 किलोमीटर तक बाइक नूं घसीटदा रहा। घटना बुधवार देर रात सैक्टर 62 की दसी जा रही है। कार के हेठां फसे बाइक तो चंगियाड़ियां निकल रही ने। इस हादसे दौरान गनीमत रही कि इस हादसे में बाइक सवार नूं ज़्यादा सट्टा नहीं लगिया, क्योंकि जो बाइक की गड्डी नाल टक्कर हुई तो दोवें बाइक सवार दूर जा डिगे सन, जिस कारण उन्होंने ज़्यादा सट्टा नहीं आईया ने। पिछे एक गड्डी च जा रहे एक व्यक्ति ने इसकी वीडियो बनाई जो हुण सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। पुलिस ने इस मामले विच केस दर्ज कर लिया है, मुलजमां की भाल भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही उसनू काबू कर लिया जाएगा। दस दिए कि बाइक सवार दो नौजवानों के नाम रोहित और ऋतिक दसे जा रहे हैं। तो दसिया जा रहा है कि दोवे इकट्ठे दफ्तर तो घर वापस जा रहे सन। जदों वो सैक्टर 62 तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर पहुंचे तो एक होंडा अमेज कार ने उन्होंने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर होते ही दोवे बाइक तो दूर जा डिगे, तो दोवों की जान बच गई, पर उन्होंने बाइक में जो है गड्डी सवार अपने नाल लै गया, तो 4 किलोमीटर तक घसीटता रहा। पीड़ित दसण मुताबक कार का ड्राइवर नशे विच सी, ते हादसे तो बाद तेज रफ्तार नाल उसने गड्डी चलाउणी शुरू कर दित्ती। इस दौरान उन्होंने बाइक भी उत्थे फस गई सी, ते उस दे विचों चंगियाड़े भी निकलते रहे, पर गनीमत रही कि उन्होंने सट ज़्यादा नहीं लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।